नहीं चाहिए। डरेंगे तो नहीं, डराएंगे तो नहीं, दबाव में तो नहीं आएंगे। मुझे पूरा भरोसा है समाजवादी पार्टी ही केवल ऐसी पार्टी है जो हमेशा रिश्तों को निभाना जानती है, और जो लोग परिवार वाले नहीं है वो नहीं समझते रिश्ते क्या होते हैं। वो नहीं समझते हैं कि परिवार की जिम्मेदारी क्या होती है। तो समाजवादी पार्टी को जिम्मेदारी भी निभानी आती है और अपने रिश्ते भी निभाने आते हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी के सहयोग और साथ से आने वाले 20 तारीख को 12 बजे से पहले 7 से 12 बजे तक समाजवादी पार्टी का पूरा वोट पड़ जाएगा कि नहीं पड़ जाएगा। मैं आप सबका वचन लेके जा रही हूँ, मैं गली में आप सबका वचन लेने आई हूँ। 7 से 12 बजे तक पार्टी का पूरा वोट पड़ जाना चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है जो आपने आज मुझे वचन दिया है। सरकार जो लगातार 10 वर्षों में झूठ बोलती हुई आई है, जिसने देश के हालात परिस्थितियां एकदम विपरीत कर दी है। आज हमारे युवाओं के पास रोजगार नहीं है, किसान परेशान है, माताएं बहनें परेशान है, हमारे जवान परेशान है, और समाज का हर तबका परेशान है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आपके सहयोग, साथ और समर्थन से इस लोकतंत्र की लड़ाई में हम 2024 का चुनाव होने जा रहा है, और यह चुनाव कहीं ना कहीं बदलाव और परिवर्तन का चुनाव होने जा रहा है। और यह बदलाव और परिवर्तन हमारे सारे जो युवा साथी आज उपस्थित हैं, मैं समझती हूँ आप बदलाव और परिवर्तन आप ही लाने वाले हैं। आपके बीच में रह के आपके साथ काम करें, ना कि वो जो कभी ना आए अपने क्षेत्र में। तो मुझे पूरा भरोसा है इस लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई में और एक संविधान को बचाने की लड़ाई में जो सहयोग संविधान को बचाने की लड़ाई में मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग अपनी भूमिका निभाने वाले आने वाले समय पर। तो मुझे पूरा भरोसा है हमारे सभी कार्यकर्ता किसी भी दबाव में नहीं आएंगे, दबाव में नहीं आएंगे, क्योंकि मैनपुरी कन्नौज के भी कोई भी कार्यकर्ता दबाव में नहीं आया। उन्होंने सागे जा रही हूँ कि श्रेया वर्मा जी का और जितने भी हमारे समाजवादी पार्टी के नेतागण आज इस रथ में उपस्थित है और है, उनका साथ सहयोग समर्थन आपको मिलेगा, और हम अपने किसी भी कार्यकर्ता में आज तक नहीं आने देंगे।